सो फ्रेश गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। 7 बज चुके हैं, बट कल रात को मैं थोड़ा लेट एडिटिंग कर रहा था, इस वजह से लेट सोया और फिर थोड़ा सुबह 7:30 बजे तक उठा। बाकी सब लोग सब कुछ कर चुके हैं। दादाजी का कंबल, हाँ कल धोया था दादाजी का कंबल, तो उसको बाहर सुखाने गए, बारिश आ गई थी। और जी नाश्ता वगैरह हो गया क्या? हाँ, गुड मॉर्निंग बोलो सबको। गुड मॉर्निंग, नाश्ता हो गया। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ, तो ये दादाजी की तरफ से सबके लिए गुड मॉर्निंग, अ फ्रेश गुड मॉर्निंग। कपिल, आज 3 काम करने हैं, एक किचन साफ, एक अपना कमरा साफ करना है और तीसरा गॉट गाय भैंस को दौड़ाना है आज, ठीक है? 3 काम हम आज जो है 3 काम करने वाले हैं, जिसे मैंने बताया किचन साफ, कमरा साफ और गौशाला का दिखाएंगे आपको कि गाय भैंस को पानी कैसे पिलाते हैं। और ये हमारी भैंस की कल तबीयत खराब थी, अभी ठीक है तबीयत? अरे बोल ना थोड़ा, तू हंस क्यों रही है? तू मुस्करा क्यों रही है? तबीयत वगैरह ठीक है, कल रात को थोड़ी दवाई वगैरह खाई थी। हम खाना खाते हैं, ब्रश वगैरह सब हो गया, मुँह हाथ धो लिया, तो चलते हैं कुछ भोजन पानी करते हैं। यह बनी है चूहे की सब्जी बनी है, और चूहा बोलते हैं इसको, हरी सब्जी, और गेहूं की रोटी बनाई है मम्मी ने। अब चाय हम बनाएंगे, दोनों को मिक्स करेंगे, दूध चाय, क्रीम वाली चाय। तो ये अपना खाना रेडी है, ब्रेकफास्ट। और ये देखिए, अभी देखिए सारी औरतें जो है, गांव की महिलाएं जितनी है, सारी खेत पे लग चुकी है। आप देखिए सुबह सुबह, मतलब आजकल गीला भी हो रखा खेत, इस वजह से सारी जो महिलाएँ हैं सब अपने अपने खेत पे ऑलरेडी पहुंच चुकी है काम पे। तो अभी सीन क्या हुआ कि मतलब हम लोग, मैं जो है खाना खुल गया था मेरा, तो अभी किचन साफ़ करने वाले थे, बट धूप इतनी आ गई कि हमको पहले गाय भैंस जो है अपनी गौशाला में वो पानी पिलाना था, उसको बंद करना था, अंदर रखना था। तो पहले हम लोग वहाँ जा रहे हैं और फिर उसके बाद घर पर आएंगे, बर्तन वगैरह धोएंगे अपना। और पीछे देखिए आप, देखिए कितना हरा भरा है, पूरा ग्रीन निकल रहा, उस तरफ पूरा कोहरा लगा हुआ था और अभी जो है सारा साफ हो चुका है। देखिए ये हमारा गांव सिलंगी, मेरा गांव मेरा पहाड़। और रोड इतनी ऐसी है फिर भी, मतलब ओहो बहुत ऊंचाई लगी हमको। ये गांव की देखो नई, यहाँ पे पहले गदर हुआ करता था, फिर यहाँ पे ये पूरी जो है 6 फुटी अभी बनी हुई है। यहाँ पे लाइट का व्यवस्था भी है, 16 लाइट का, जो रात को जलती है जैसे अंधेरा होता है। धीरे धीरे भाई गाँव में हो रहा है, विकास हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि हमारे जो क्षेत्र जहाँ पे मेरा गांव है वो नगर पंचायत में आ चुका है, तो डेवलपमेंट का जो प्रोग्रेस रेट है वो हाई है। जब से मतलब ये नगर पंचायत हमारे क्षेत्र में आया यहाँ पे, तो गांव में विकास वगैरह हो रहा है, मतलब जो कच्ची ये रास्ते थे वो मजबूत हो रहे हैं, नालियाँ वगैरह बन रही है, सोलर लाइट्स आ रही है, रोडों पर लाइट लग गई है, तो काफ़ी अच्छा कुछ देखने को मिल रहा है गाँव में। जो आपको चिड़ियाँ दिख रही है सामने, ये देखिए ये वाली चिड़ियाँ, ये मुस पाखोड़ बोलते हैं इसको। अब मुस पाखोड़ इसलिए क्योंकि ये चूहे की तरह भागती है, बहुत तेज़ फुर्तीली होती है और कीड़े मकोड़े जो है बहुत ज़्यादा खाती है। तो ऐसी चिड़ियाएँ आपको देखने को मिलेगी जो मतलब बाहर है ही नहीं भारत में। जब मैं नोएडा में हुआ करता था तो वहाँ पे ब्लैक वाले जो कबूतर होते वो थे वहाँ पे, उसके अलावा बस जो आसमान में घूमती थी वही चिड़िया थी। यहाँ पे बहुत तरह की चिड़ियाँ पहाड़ में, और मैं सोचता हूँ यार बर्ड सेंचुरी होना चाहिए वैसे गढ़वाल में, है लेकिन नहीं उतना फेमस। अनु अपना गाय भैंस, अनु पानी पिला दिया गाय भैंस को? गदर में कितना पानी है? बहुत है। और गाय भैंस कितनी है वहाँ पे? गाय भैंस अभी नहीं है। अपने लोगों को हाय हेलो बोलो। हाय हेलो, नमस्ते। सब्सक्राइब सीख गए ना? दोबारा बोलना सब्सक्राइब। सब्सक्राइब। अबे यार कल कल सीखाऊंगा। ये देखिए ये वही भैंस है जो परसों बहुत गुस्सा हो रही थी, बोल रही थी मेरी वीडियो क्यों नहीं बनाई। आज देखते हैं क्या रिएक्शन है इसका। नहीं आज भी मूड खराब है इसका। हमारी गाय भैंस यहाँ पे, ये हमारी गाय, ये हमारा छोटा थोड़ा जो मानने नहीं आते हैं, एक अंदर भी दिखाऊंगा वो बाहर है, छोटा बछड़ा जो हाथ चाटेगा ही देखो। और एक गाय अपनी, यहाँ पे थोड़ा सा गधेरा होता है, पानी का होता है। यहाँ पे सारी जो हमारी मतलब गांव की गाय वगैरह आती है, गाय भैंस सब इस जगह पानी पीती है। एक ऊपर भी है बट ऊपर चढ़ने में बहुत तकलीफ़ होती है इन बेचारों को, ऐसा पानी पीने का होता है इनका, और ये पानी पीती है। पहाड़ में क्या होता है ना, मतलब जैसे लोग पहाड़ में, हमारे यहाँ पे क्या होता है सुबह सुबह जैसे लोग अपना गाय वगैरह, गाय भैंस का दूध वगैरह निकालने के बाद गाय भैंसों को बाहर रख लेते हैं, ऐसे 8-9 बजे के आसपास धूप लग जाती है तो उनको पानी पिलाने के लिए यहाँ पे गदरे में लेके आते हैं। बड़ी गर्मी लग गई है अपने भैंस को तो नहला लेते हैं थोड़ा, और ये मुझे भी देख रही है, बोल रही है भाई क्या लेके आए काला काला सा। ये देखिए कपिल भैंस को ऐसे नहलाते हैं,
ऐसी करके इनकी धुलाई होती है। अपनी दादी के घर फिर से पहुंच चुके हैं। अन्नो गुड मॉर्निंग दादी जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ले गया अभी हैं? ले गया। क्या ले गया? फूटा फूटा ऐसा बोली दादी। तुम आज उन्हें जी गिरा लोग पोलो पी दादी सही बोल रही। बल गिरा होता बल उससे सारी जो है बीमारियां वगैरह दूर होती है बल। नकर बोल। हाँ लोग कहले बोल बोले दादी जी ने सही बोला बल। से पूछ के लिया है तू? ना लोगों ने बताया वहाँ पे बताया ऑनलाइन बताया। हाँ। यूट्यूब में ना ऑनलाइन लोग दादी ने ठीक बताया। हाँ अच्छी दादी है। अच्छी दादी है। लोग मैं कमेंट मारते ना यूट्यूब में तो दादी जी को प्रणाम भी बोला किसी किसी ने। दादी जी को बोलना प्रणाम। दादी जी को बोलना नमस्कार। हाँ बोला है। अभी जो है हमारा दूसरा काम चालू होता है किचन साफ करने का। वो चालू करते हैं हम। हमारे किचन का हालत कुछ ऐसा है। ये बिफोर क्लीनिंग है। ये देखिए ये आफ्टर क्लीनिंग है। देखिए रात को पता नहीं कहाँ कहाँ जाता है सुबह घर पे आ जाता है टाइम से। आज है 10 तारीख। 10 हो गई आज। किचन वगैरह साफ हो गया। गाय को पानी पिला दिया। गाय भैंस को पानी पिला दिया। दो काम हो गया। अभी तीसरा काम जो है हमारा वो है अपना जो ये रूम है ना रूम। ये मेरा और कपिल का रूम है तो हमने सोचा इसको जरा साफ करते हैं क्योंकि बहुत दिन से सफाई हुई नहीं है। वो हमारा तीसरा काम क्या था? तो कब होगा? चलो शुरू करते हैं। लोग अभी जो है अपना कमरा साफ करते हैं। आपको जो है फास्ट मोशन में दिखाते हैं। कई लोग बोलते हैं इतनी जल्दी साफ हो जाता है भाई इसको टाइम लैप्स बोलते हैं। टाइम लैप्स ठीक है। देखिए कितना फास्ट हम लोग साफ करते हैं और चलो शुरू करते हैं। ये ऐसी चारपाई होती है गांव में क्या बोलते हैं इसको निवार की चारपाई। निवार की चारपाई होती है जो अभी ढीली हो चुकी है। थोड़ा कसेंगे इसको खोल के। सो अभी जो है हमने निवान लगा दिया है मैंने और मेरे पापा ने मिलकर लगाया है। देखिए अभी इसकी धुनाई हो रही है। इसे मारने से जितना भी धूल होता है सब निकल जाता है। टाइट करने में बहुत टाइम लगा जैसा आपने देखा होगा टाइम लैप्स में। मैंने साफ कर दिया चक्की का। ये देखिए चक्की पूरी गंदी पड़ी थी। इसका ब्रश आया हुआ था और पूरा हमने इससे पूरा इसका जो है गंद निकाल इतना मतलब इसमें जो आटा रहता है वो सब निकला हुआ है। एकदम नई चक्की लग रही है देखो पूरी घूम रही है। तो सब काम हो रहे हैं धीरे धीरे आज घर में जितने भी हो रहे हैं पर हो रहे हैं। आज के ब्लॉग में बस यही है। हमने रूम था पूरा साफ़ किया बेड वगैरह झाड़े और बहुत गंदगी थी मतलब गंदगी बहुत दिन से साफ नहीं किया था तो क्लीनिंग हुआ वो वाला ब्लॉग चल रहा है आज। ये देखिए पूरा आज साफ किया है। टकाटक बिस्तर लग चुके हैं। द विंडो व्यू जहाँ से एकदम ग्रीन ग्रीन दिखता है। अभी ज़रा फ्रेश हो लेते हैं क्योंकि पसीना पसीना एकदम हो चुके हैं और थोड़ा नहा धो के रेडी होते हैं और थोड़ा चमकाते हैं चेहरे को। हमारा मौसम इतना सुहावना हो रखा है कि मतलब बारिश और ठंडा मौसम है कि नींद इतनी ज़बरदस्त आती है दिन में कि पूछिए मत। और मैंने सुना कि दिल्ली NCR में भी काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है जो कि बहुत अच्छी बात है। आज मौसम जो है एकदम साफ हो गया है। देखते हैं कल परसों का क्या मौसम होगा। फिलहाल टाइम हो चला है आपको दिखाने का कि हमारे घर आज क्या बना है। चाची के घर हमारे घर और दादाजी हमारे क्या कर रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ सुननी है नहीं सुननी दादाजी की सुननी है ना। चलो चाची ने देखो पूरा चाट दिया बर्तन बर्तन। क्या बना था स्पेशल चाची जी? मसूर की दाल। विधि की तबीयत कैसी है? विधि की तबीयत ठीक है ना। अभी दादाजी खाना नहीं आया अभी तक? क्या खाना नहीं आया? नहीं नहीं। ब्रेकिंग न्यूज़ है बताओ क्या समाचार है आज के? ठीक है समाचार लोग सही बोल रहे हैं। सही बोल रहे हैं बहुत अच्छी बात है। तो और देखते हैं हमारे यहाँ क्या बने खाना। चाची की मसूर की दाल बनी थी। क्या सब्जी बनी आलू लौकी दिखाना एक बार दिखाना लौकी की सब्जी। वाह 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 वाह। और ये हमारा देवथान है यहाँ पे पितृ लोगों को खाना रखा जाता है। हमें करते हैं डिनर अपना और आप भी करिए जो भी आपका ब्रेकफास्ट लंच डिनर जो भी टाइमिंग है उसके अकॉर्डिंग आप करिए। और थैंक यू सो मच ऐसा सपोर्ट देने के लिए वीडियोस को लाइक करने के लिए। कुछ आपको मैं बताना चाहूँगा एक सेकंड धुआं लगा है बाहर जाता हूँ। ऑलमोस्ट अभी मतलब 10K सब्सक्राइबर होने वाले हैं। 10,000 लोग इस चैनल से जो जुड़ने वाले हैं तो उनके लिए बहुत ही स्पेशल एक वीडियो आने वाला है आप लोगों के लिए। मैं चाहता हूँ जिन लोगों ने जिस गाँव ने मतलब मेरा जो 80% जो वीडियोज़ हैं वो मोस्टली गाँव की है
तो जिस गांव में मैं रहता हूँ सिलंगी गैरसैन में यहाँ पे, तो मैं उस गांव का एक मेमोरी, एक मतलब एक याद, एक फिल्म बनाना चाहता हूँ। तो बहुत जल्द आपके सामने वो आएगा, लेकिन वो तभी आएगा जब मेरा 10K सब्सक्राइबर पूरा होगा, जिसमें हाल ही मेरे ख्याल से अभी 150 के आसपास या फिर 140 लोग और जुड़ने बाकी है। तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, जो सब्सक्राइब का बटन है आपको दिख रहा है दबा दीजिए, फ्री का है बॉस, वीडियोस आती रहेगी आपको, और आप जल्दी दबाइए। मैं आपको वीडियोस बहुत जल्दी, शायद कल परसों में वीडियो आपको मैं अपलोड कर दूंगा कि कौन सी वीडियो मैं डालने वाला हूँ, स्पेशल एक सेलिब्रेटिंग 10K वाली वीडियो, कुछ स्पेशल है। और हम भी करते हैं डिनर, क्योंकि डिनर का टाइम हो चुका है। यहाँ पे शूट करने का रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे वाइट बल्ब है तो रोशनी ज़रा अच्छी आती है ना, एक मतलब कॉन्टेक्ट करने के लिए, बात करने के लिए बहुत अच्छा रहता है। जल्दी आप सब्सक्राइब करेंगे, 10K हमारा अगर फैमिली हम लोग बन जाएंगे यूट्यूब फैमिली रिंकू पहाड़ी का, तो आपके लिए स्पेशल वीडियो आएगी मेरे गांव से। ओके, अपना ध्यान रखिए तब तक, टेक केयर और धन्यवाद। मिलते हैं कल ब्लॉग में, बाय। कैसे चिता रहे हो? अरे कैसे चिता रहे हो? कैसे चिता रहे हो? थोड़ी थोड़ी थोड़ी